बेटा बेटे हैं, पैनमा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है, पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं। मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा उसका नाम पैनमा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल एमपी में चुनावी सरगर्मी तेज है, राहुल गांधी भी चुनाव में पूरा दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इंदौर में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स को लेकर जो बयान दिया उसने उनकी किरकिरी करा दी है। मामा जी के जो बेटा बेटे है पनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है, पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए ये भूल गए कि पनामा मामले में नाम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का आया है। और अपनी इसी भूल के चलते पनामा मामले को लेकर उन्होंने सीएम शिवराज के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ दिए और तुलना कर डाली पड़ोसी देश पाकिस्तान से। खैर, अब राहुल गांधी कोई भूल करें तो भला बीजेपी कहां बख्शने वाली है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर जमकर चुटकी ली, राहुल को मुद्दों में जीरो और मस्खरी में हीरो बता दिया। दरअसल जो है वो मुद्दों में जीरो हो गए हैं और मस्खरी में हीरो हो गए हैं। तो जिस पार्टी के सुल्तान मुद्दों में जीरो हों और मस्खरी में हीरो हों तो वो इसी तरह के फेक फैब्रिकेटेड फ्रस्ट्रेटेड कहानियों को लोगों के बीच में बताने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के बयान को लेकर जब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ तो राहुल गांधी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल भी कबूली। कहने लगे कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था और कंफ्यूजन में गलती हो गई। छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैंने नहीं, कल मैं कंफ्यूज हो गया, कल मैंने सोचा कि पैनमा पेपर वाला इतना इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स है। मैंने सोचा भाई पैनमा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया, नहीं पैनमा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश के सीएम। लेकिन यही चीज नहीं, मगर राहुल गांधी खुद को कंफ्यूज्ड बताने लगे तो भला बीजेपी खेमा चुटकी लेने से बाज कैसे आ जाता। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कंफ्यूज बता दिया। कहने लगे कि पार्टी के मुखिया मुद्दों को लेकर कंफ्यूज है, पार्टी चेहरे को लेकर कंफ्यूज है और नेता इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि टिकट किसे मिलेगा। उन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट और जारी करी कि मैं कंफ्यूज हो गया। दरअसल ये उन्होंने पहली बार सही बात करी, पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, राहुल गांधी कंफ्यूज है, यहाँ प्रदेश के कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि उनका नेता कौन है, नेता कंफ्यूज हैं कि टिकट किसको देनी है और मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा था, पूरी कांग्रेस पार्टी ही कंफ्यूज है। जहाँ तक उनके आरोप का सवाल है ये पूरी तरह बेबुनियाद है, ये उन्होंने खुद माना है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। हम तो यही कहेंगे कि राहुल जी अपने इस कंफ्यूजन का कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि अगर हाल यही रहा तो आपकी ये कंफ्यूजन आपके लिए ऐसे ही मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।